विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपने अपने कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के विरोध में पूरे प्रदेश में निर्धारित 7 स्थानों में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। गुरुवार को दमोह हटा से जन आक्रोश यात्रा पवई विधानसभा के बाद गुनेर विधानसभा में पहुंची। जन आक्रोश यात्रा में शामिल प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को गलत बताया। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता जानती है। कुशासन, भय, भ्रष्टाचार और किसान विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी इस सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश है और ये जन आक्रोश समूचे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। 7 यात्राएं हमारी जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में जारी हैं, जो 3 अक्टूबर